खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लद्दाख सीमा पर एलएसी के पास चीनी सेना ने आखिरकार अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। दोनों सेनाओं के बीच हुई बातचीत के आधार पर चीनी सेना करीब 1-2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। अब इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि शांति स्थापित करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर कुछ कदम उठाए गए हैं। इनमें सैनिकों को वापस हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से भी बॉर्डर पर तनाव कम होने की बात की गई है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत और चीन की सेनाओं ने फ्रंट बॉर्डर से बैच के आधार पर सैनिकों को कम करने का निर्णय लिया है। इसमें दोनों देशों के बीच 30 जून को जो बैठक हुई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया है। चाइना की ओर से कहा गया है कि कमांडर लेवल की बातचीत में दोनों देशों ने तनाव कम करने की इच्छा जताई, इसी आधार पर यह एक्शन हो रहा है। चीनी अखबार की ओर से कहा गया है कि भारत को चीन के साथ शांति की बात करनी चाहिए और अपने सैनिकों को कम करना चाहिए। आपको बता दें कि चीन को जवाब देने के लिए भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया था। इसका मतलब जितने सैनिक चीन ने तैनात किए भारत ने भी उतने ही तैनात कर दिए। इसके अलावा भारत की ओर से वायुसेना लगातार अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास कर रही थी। मई के बाद से ही चीन और भारत के बीच ये तनाव बना हुआ है। अब खबर है कि 15 जून को गलवान के जिस हिस्से में दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने आई थी वहीं से चीनी सेना करीब 1-2 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। इलाके में अब बफर जोन बनाया जाएगा ताकि पिछली बार की तरह सैनिकों में झड़प न हो। दोनों ही देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी हैं। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया जाएगा ताकि फिर से कोई हिंसा की घटना ना हो पाए। चीनी सेना ने अपने टेंट, गाड़ी और सैनिकों को भी पीछे हटाना शुरू कर दिया। कॉप्स कमांडर लेवल की बातचीत में यह तय हुआ था। आर्मी के सूत्रों के अनुसार चीनी करीब 1 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं जो भारतीय हिस्से से देखा जा सकता है। हालांकि गलवान घाटी में काफी पीछे तक चीन ने अपना सामान सजो के रखा हुआ है। इसके बाद दोनों सेनाओं में आगे भी बात हो सकती है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।